थे पढ़ा था पाठ पद्य भाग का कबीर। तो कबीर का साखियों का शब्द का जो हिंदी अनुवाद अपन लोगों ने किया था, आज उसी पद्य भाग के पाठ से लेकर एक प्रश्नोत्तर है। तो प्रश्नोत्तर आप देखिए, पहला प्रश्न लिखिए, मार्ग सरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीर का मानसरोवर से तात्पर्य है कि यह संसार भी एक मानसरोवर है जिसमें साधु महात्मा रूपी हंस इस संसार में विचरण करते हैं, जो लोगों का उद्धार करते हैं और सभी का हित करते रहते हैं। तो कबीर के अनुसार मानसरोवर इस संसार को बताया है। प्रश्न संख्या दो, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यानी कि सच्चा प्रेमी कौन है, उसकी क्या कसौटी है, सच्चा प्रेमी किस प्रकार का व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में लिखा है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर को ही अपना प्रेमी समझकर उसे पाने का प्रयास करता है। सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई मोह नहीं रखता है, किसी से कोई मोह नहीं रखता है, उसे संसार के बंधन भी नहीं बांध सकते। प्रश्न संख्या तीन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा है उसमें कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कबीर मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीची डालकर के करना चाहिए, ऐसा कहते हुए कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है, यानी कि सवाल कुत्ते को इस संसार की आलोचना करता है, मनुष्य को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या चार, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, यानी कि संसार में सच्चा संत कौन है? तो उत्तर में लिखा है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव सांसारिक मोह माया से दूर, जो ना तो सांप्रदायिक भेदभाव रखता हो और मोह माया से दूर रहता हो, ना तर्क वितर्क नहीं करे और केवल वो क्या करे, ईश्वर का भजन करे, वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न संख्या पांच, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? मनुष्य है वो ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? तो देखिए, मनुष्य ईश्वर को देवालय मस्जिद काबा तथा कैलाश पर्वत पर ढूंढता है, यानी कि मनुष्य को ढूंढने का स्थान कहां होता है, देवालय मस्जिद काबा काबुल यानी कैलाश पर्वत पर ढूंढता फिरता है। लेकिन कबीर के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करता है, ना तो वो काबुल में, ना वो देवालय यानी कि मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबुल में है और ना कैलाश पर्वत पर है। तो इस प्रकार ये आप लोगों को पाठ प्रश्न करने हैं, ठीक है, धन्यवाद।